जी हाँ दोस्तों, हिंदी एचडी मूवीज चैनल अभी बैन हो चुका है। जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर बेस थे, अभी वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर लूज कर चुका है और वो चैनल बैन हो चुका है पूरी तरह से। अगर आप उसको सर्च करने जाओ, यहाँ पे आप वीडियो देखोगे, अगर आप उसको सर्च करने जाओ हिंदी एचडी मूवीज़ आप सर्च करो, अगर आप पहले से ज्वाइन हो तो आपको दिखेगा, बट आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि ये चैनल पे कॉपीराइट लग गया है, और अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा था तो वो चैनल अब शो भी नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ तो ये रीजन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। हे व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं अमृत, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर, इंजीनियर। जी हां दोस्तों, ये काफ़ी बुरा न्यूज़ है, और ये सिर्फ बुरा न्यूज़ हिंदी एचडी मूवीज़ के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। और ऐसा क्यों हुआ, हिंदी एचडी मूवीज़ इतना बड़ा चैनल हो के आज वो चैनल बैन हो चुका है टेलीग्राम के थ्रू। हो सकता है इन फ्यूचर में वो अनबैन हो जाए, क्योंकि मिलियंस वाले के ऊपर जो सब्सक्राइबर जिसका होता है वो उनका टेलीग्राम के थ्रू बात होता है, वो क्रिएटर के लिए एक अलग ग्रुप बनता है जहाँ पे वो लोग बात कर सकते हैं, एक दूसरे का सॉल्यूशन मिलता है वहाँ पे। तो हो सकता है इन फ्यूचर में ये चैनल फिर से अनबैन हो जाए, लेकिन ऐसा क्यों बैन हुआ इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मेरे कुछ दोस्त हैं और उनका कॉन्टैक्ट यहाँ पे हिंदी एचडी मूवीज़ वाले से है, तो उन्होंने बताया मुझे कि उनका चैनल बैन होने का ये रीज़न था कि वो हिंदी एचडी मूवीज़ के तो ऑनर थे ही, साथ में कोई एडल्ट चैनल के भी ऑनर थे, ऐसा मुझे सुनने में आया है। ठीक है, अब हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन हो, लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया है, जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिला है अपने दोस्तों से, तो वो पता चला कि वो किसी एडल्ट या फिर किसी पायरेसी कंटेंट से रिलेटेड कोई चैनल था उनका। तो क्या हुआ कि उस चैनल पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आया, और उस रिपोर्ट के कारण क्या हुआ कि उनका अकाउंट में जितना भी चैनल था वो सब को बैन कर दिया गया। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, इससे हम लोग को भी ये सीख मिलती है कि हम लोग एडल्ट चैनल पे अगर काम करते हैं तो इन फ्यूचर आपका भी चैनल बैन हो सकता है अगर रिपोर्ट आए। और आप लोग को, अगर आप अभी कोई एडल्ट चैनल चला रहे हो, तो उसका क्या कीजिए कि उसका ऑनरशिप आप चेंज कर दीजिए। ऑनरशिप कैसे चेंज होता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा मोबाइल में। अभी यहाँ पे आप देखिए हिंदी एचडी मूवीज़ में सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखिए आपको 5 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर बेस है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो क्या बोल रहा है, दिस चैनल इज़ अनअवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको कोई भी चैनल है, तो मान लीजिए कि हमारे ये चैनल है, तो इस चैनल का आपको क्या करना है, अपने चैनल पे जाना है, एडिट करना है, और एडमिनिस्ट्रेटर में जाके, सो गाइज आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर में आके यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में आपको जो भी आपका अलग एक अकाउंट होना चाहिए टेलीग्राम पे, एक अलग नंबर से आप अकाउंट बना लीजिए और उसको ऐड एज एडमिन कर दीजिए। एडमिन बनाने के बाद आपको क्या है, यहाँ पे जैसे अमृत अरियन प्रमोटेड बाय, तो आपको भी ये चीज़ दिखेगा, और राइट में आपको 3 आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, और एडिट एडमिन राइट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑनरशिप पे क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज ऑनर, अभी हमको नहीं करना है। सो आपको यहाँ पे ऑनरशिप का चेंज करने आएगा, फिर वहाँ पे आपको कुछ कोड वगैरह आएगा वो टाइप कर देना है, और उसके बाद आपका ऑनरशिप अगले दूसरे नंबर पे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका वो अकाउंट सेफ रहेगा, अगर और सिर्फ अगर जाना होगा तो वो चैनल जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये तरीका है। अगर और आपका कोई भी एडल्ट से चैनल है तो उसका भी आप क्या कीजिए कि अपना उसका फ़ोटो, और यहाँ पे फ़ोटो चेंज कर दीजिए, और उसका नाम चेंज कर दीजिए, और उसका लिंक भी, पब्लिक लिंक जो है वो भी अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, इससे बचने के लिए, अगर आपको अपना चैनल बचाना है तो। अगर प्राइवेट है तो आप उसका चैनल का प्राइवेट लिंक को रिवोक करके दूसरे लिंक पर जनरेट कर लीजिए। प्राइवेट लिंक कैसे रिवोक करते हैं, सो यहाँ पे हमारा एक चैनल है प्राइवेट, देखिए यहाँ पे प्राइवेट चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे रिवोक लिंक का ऑप्शन आ रहा है। रिवोक करने के बाद फिर क्या होगा कि आपका जो ये लिंक है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको ये सारा चीज़ कर लेना है अगर आपका, आपको बचाना है अपने टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का आपको पता है एडल्ट कंटेंट नहीं पोस्ट करना है, न्यूड कंटेंट पोस्ट नहीं करना, नहीं तो आपका चैनल जाएगा। मूवीज़ से रिलेटेड आप डाल सकते हो, और ये हमारा अमृत एड्रिनो पेड प्रमोशन वाला ये चैनल है, यहाँ पे देखिए 50% ऑफ चल रहा है, अगर आप पेड प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ऑनरशिप चेंज होने से क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर अगर आपका वो चैनल बैन होता है तो आपका अकाउंट बच जाएगा, या फिर वो सिर्फ चैनल बैन होगा, अलग कोई चैनल बैन नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ करना ज़रूरी है अगर आपको बचना है, अगर आपको अपने टेलीग्राम चैनल को बचा के रखना है। और हाँ, अपने चैनल का नाम को भी आपको चेंज कर देना है,
और हो सके तो लिंक को भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर इन फ्यूचर उस आपके चैनल पर अगर रिपोर्ट गया है तो हो सकता है कि आपका चैनल बैन हो जाए। और अगर आप किसी आपने कोई भी न्यूड कंटेंट या फिर कुछ भी कंटेंट पोस्ट किया है जो कि गलत है, पॉलिसी के खिलाफ है, तो आप उस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपका चैनल कभी भी बैन हो सकता है। ये न्यूज़ मुझे सुबह में ही आई थी, अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने ये वीडियो बना दिया। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का पेड प्रमोशन करवाना है तो आज सिर्फ 16 जुलाई को आज 50% का ऑफ है हमारे पेड प्रमोशन के सर्विस पे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक पेड प्रमोशन का मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को जाके देखिएगा कि कैसे आपको 50% ऑफ मिलता है हमारे प्लान्स पे। तो आप वो भी जाके ऑफ़र अवेल कर सकते हो, और ये सिर्फ आज के लिए है। अगर फ्यूचर में कोई भी कूपन कोड मैं देता हूँ या फिर कोई भी ऑफ़र लाता हूँ तो वो सारा उस टेलीग्राम चैनल पे आएगा, तो वो चैनल आपको जाके ज्वाइन कर लेना अगर अगर आपको पेड प्रमोशन करवाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे अपडेट्स और टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो या फिर आपको अर्निंग के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आया तो। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपना सवाल या सुझाव कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने टेलीग्राम चैनल को भी बचा के रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।